दोस्तों सुना आपने, अमित शाह को नींद नहीं आ रही है। हमारे देश के गृह मंत्री जो है वो रात भर करवटे बदलते रहते हैं, इस करवट उस करवट, नींद ही नहीं आ रही है। तीन तीन बजे तक वो जागे रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा उनके ही नेता कह रहे हैं, उनके ही मंत्री कह रहे हैं। उनका ही बयान सामने आया है कि अमित शाह जो है वो सो ही नहीं पा रहे हैं। तीन महीने तक वो जगे थे लेकिन अब वो सो नहीं पा रहे हैं। क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, वो जानकर सुनकर आपको भी लगेगा कि वाकई हमने बहुत सुरक्षित हाथों में देश दे दिया है। हमारा देश जो है बहुत सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि तीन महीने तक मणिपुर में जो हालात थे, जो है उस पर अमित शाह साहब चिंता नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, इंडिया की तरफ से मणिपुर पर बार 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 दबाव देने की कोशिश की गई, सदन के अंदर बार बार मोदी की चुप्पी तोड़ने की बात कही गई, तो अब जो है बीजेपी के सीएम हेमंत विश्वा शर्मा वो बयान दे रहे हैं मीडिया में आकर कि अमित शाह साहब जो है वो तीन तीन बजे रात तक सो नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें मणिपुर की चिंता है, मणिपुर की चिंता उन्हें खाए जा रही है, इसीलिए उस चिंता में वो सो ही नहीं पा रहे हैं। सोच रहे हैं। और उसके बाद वो यहीं पे नहीं रुके, वो इससे भी आगे चार कदम आगे जाते हुए कहते हुए नजर आए कि अमित शाह साहब जो है ये सब मणिपुर की जनता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये सारा किया धरा जो है वो कांग्रेस का है, जिस कांग्रेस को वो छोड़कर सीएम के पद पर बैठे हैं, जिस कांग्रेस में वो पहले थे उस कांग्रेस को छोड़ने के बाद अब वो कांग्रेस की गलती बता रहे हैं कि ये सब कांग्रेस की गलती की वजह से हुआ है। पहले नेहरू गांधी की गलती हुआ करती थी, अब कांग्रेस की गलती हो गई। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, मणिपुर में जो हालात बने हैं, वो सब कांग्रेस का दोष है। जब इतना ही कांग्रेस का दोष है भैया, तो फिर आप लोग 9 साल से, 5 साल से, 8 साल से सत्ता में क्या कर रहे हैं? जब कांग्रेस की गलती आप सुधार ही नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को लिया जा रहा है पार्टी में, लेकिन कांग्रेस की गलतियां सुधर नहीं रही है। और अमित शाह साहब तीन तीन बजे तक फोन करके उन्हें हाल चाल पूछ रहे हैं कि क्या हालत है मणिपुर में, सब सही है कि नहीं है, मणिपुर में हिंसा रुकी कि नहीं रुकी। कमाल की बात है, देश के गृह मंत्री है वो, कोई नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनको डायरेक्ट मणिपुर कि सीएम का नंबर नहीं है, जो हेमंत विश्वा शर्मा से वाया 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 बात कर रहे हैं, क्या वो वहां के सीएम से बात नहीं कर सकते? अरे जब इतनी चिंता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हो रहा है, क्यों सीएम को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? सीएम तो खुद कह रहे हैं कि अगर हमें कहा जाएगा, हमें ऊपर से का ऑर्डर आएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन एक बार नाटकीय इस्तीफा हुआ, उसके बाद जी हाँ, उसके बाद आज से लेकर और उस दिन तक आप देख लीजिए कि क्या इस्तीफा हुआ, इस्तीफे की मांग की। इनफैक्ट बीजेपी के ही मंत्री बीजेपी पे ही मणिपुर में आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से हो रहा है ये सब। वो चाहते तो रोक सकते हैं, वो चाहते तो हालात बेहतर कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जाकर वहां शांति की अपील कर सकते थे, प्रधानमंत्री वोट मांगने जाते हैं, शांति की अपील नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री वहां पे पूरा मणिपुर का गेटअप लेकर के कि हम आपके ही, आप जैसे ही हैं, हम आपको ही मतलब अपना परिवार मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमें अपना वोट दीजिए, चुनाव जीत गए। उसके बाद जब वहां पर हालात है तो प्रधानमंत्री जी की चुप्पी नहीं टूटती, और चुप्पी टूटी भी तो सिर्फ 23 सेकंड 26 सेकंड के लिए चुप्पी टूटी। मन क्रोधित है, मन गुस्सा है, उसके बाद प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस ना आए, ना गए, ना वहां पर बैठ करके उन्होंने चर्चा किया, ना भाषण दिया, ना मणिपुर पर बोले। मन की बात, दिल की बात, फलाना बात, धमकाना बात, सारी बात हो गई, लेकिन सिवाय और सिवाय सिर्फ मणिपुर पर चुप्पी साधते हुए। और मणिपुर को लेकर किस तरीके से बातें की जा रही है, ये आप अक्सर देख रहे हैं बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, पार्लियामेंट हाउस में बात चर्चा होगी मणिपुर पर तो वो चले जाएंगे पाकिस्तान पर, चाइना पर, यहां वहां सारी दुनिया में चले जाएंगे, लेकिन एक मणिपुर जो है इनको बोला नहीं जा रहा है, जिनके पास सारा पावर, सारा सुरक्षा, सारी सिक्योरिटी उनके पास कांग्रेस के हाथों में है। जो अमित शाह साहब विश्वा शर्मा से फोन करके पूछ रहे हैं कि वहां पर क्या हालत है, चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छा, आप बहुत मणिपुर के को लेकर बहुत चिंतित हैं, तो फिर ये क्या खबर है?
ये खबर भी आपको देखना चाहिए दोस्तों। मैं ये खबर भी आपको दिखाना चाहूंगी कि जब मणिपुर को लेकर अमित शाह साहब इतने चिंतित हैं, तो मणिपुर से जो है क्यों असम राइफल्स को हटाने की मांग की जा रही है, क्यों वहां पर जो है कहा जा रहा है कि यहां से मणिपुर राइफल को हटाइए। भाजपा के मणिपुर के इकाई के लोग कह रहे हैं कि यहां से हटा दीजिए। मणिपुर में भाजपा ने पीएम मोदी को पत्र तक लिख के दे दिया और इन्हीं सेना के जवानों के साथ असम राइफल्स के आगे महिलाएं वहां कह रही कि आप हमें छोड़कर मत जाइए, अब हमारी जान को खतरा हो जाएगा। अब सोचिए कि अपने ही राज्य में, अपने ही राज्य के पुलिस से मणिपुर की जनता कितना परेशान है और वो कैसे कैसे वीडियो सामने आ रहे हैं। और जो वीडियो आपने देखा जो 3 मई की बताई गई और जो पार्लियामेंट हाउस सेशन से एक दिन पहले वायरल हुई, उस वीडियो पर भी अब एक से बढ़कर एक टिप्पणी की जा रही है कि ये साजिश के तहत हुआ है। अरे भैया, साजिश के तहत ही हुआ है, लेकिन आप जिस राज्य में आपकी गठबंधन वाली सरकार है उस पर सबसे बड़ा तमाचा है कि इस तरीके की चीजें हमारे देश में, भारत देश में देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी इस चुनावी स्टंट, इसे ही कहते हैं कि हम सो नहीं पाए, हम जाग नहीं पाए, इतने चिंतित हैं। तो एक बार आप एक्शन लेके देखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। एक बार आप जाकर वहां पर देखिए तो सही, आपके पास सब कुछ है, पावर आपके पास है, कुर्सी आपके पास है, आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे पावर, क्यों नहीं वहां पर बात विवाद जो हो रहा है उसको रोक पा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो यही उठेगा ना कि आप फेल्योर हैं। आप जब मणिपुर पर फेल्योर है तो देश के कई राज्यों में जैसे हिंसा हो रही है वहां पर फिर आप क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे वो सब चीजें जब आप मणिपुर नहीं संभाल पा रहे जहां पर आपकी खुद की सरकार है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।